Okay, now we start with this new problem. In this problem, a cone having a diameter of the base 80 mm and height is 90 mm. Okay, आपको क्या करना है? सेक्शन ऑफ सॉलिड ड्रॉ करना, किसका? कोन का. ओके, और कोन का शेप आपको पता है कि दैट वन इज योर शेप ऑफ द कोन. ओके, क्या बोला है? बेस 90 मीन्स के सर्कल का जो डायमीटर है दैट वन इज 80 एंड दैट वन इज योर एक्सिस मीन्स दैट वन इज योर 90. ओके, इट इज कट बाय इंक्लाइंड एट 45 degrees टू द एच पी. ओके, मीन्स दैट वन इज योर वी पी, दैट वन इज योर एच पी. हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंक्लाइंड है कितना? 45 degrees पे. ओके, 45 degrees पे. एंड द कटिंग प्लेन पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस मीन्स के दैट वन इज योर एक्सिस, इसके सेंटर में से मीन्स यहाँ से आपका बेसिकली कटिंग प्लेन आएगा. ओके, यहाँ से आपका कटिंग प्लेन आएगा, दैट वन इज योर कटिंग प्लेन. ओके, मीन्स इसको आप यहाँ से एनालिसिस करोगे तो बेसिकली फ्रंट व्यू आपको ट्राइंगल दिखेगा और टॉप में से आपको सर्कल दिखेगा. क्लियर? ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट वी ड्रॉ एक्स वाई रेफरेंस लाइन. ओके, दैट वन इज योर एक्स, दैट वन इज वाई. ओके, दैट इज योर बेस. बेस क्या आएगा मीन्स के एच पी पे क्या आएगा? सर्कल. सर्कल का डायमीटर कितना है? सर्कल डायमीटर इज दैट वन इज 80 mm. ओके, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 80 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. दैट वन इज 80 mm. ओके, अब क्या करना है आपको, 40 mm की रेडियस लेके एक सर्कल. ओके, 40 mm की रेडियस लेके दैट वन, दैट वन पॉइंट सेंटर एंड दैट वन पॉइंट रेडियस. ओके, एक सर्कल. क्लियर? ओके, अब क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, यहाँ पे मैं सर्कल के 8 ही पार्ट करता हूँ मीन्स के सर्कल का रोटेशन कितना है? 360. सर्कल के 8 पार्ट करेंगे तो 8 पार्ट कितना होगा? 45 degrees. ओके, 45 degrees पे हम सर्कल के कितने पार्ट कर देंगे? 8 equal parts. क्लियर? अब इस दैट वन इज योर बेस, तो बेस के मैं नाम दे देता हूँ, दैट वन इज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच. ओके, अब आपको पता है क्या प्रोजेक्शन कहाँ लेने हैं आपको? दैट वन प्रोजेक्शन इज अपवर्ड, बी एंड एच, सी एंड जी, डी एंड एफ एंड दैट वन इज योर. ओके, तो दैट वन इज योर बेस, दैट वन इज योर बेस. ओके, दैट वन इज ए मीन्स ए डैश, दैट वन इज बी एच, तो बी डैश एच डैश, दैट वन इज सी एंड जी, तो दैट वन इज सी डैश एंड जी डैश, दैट वन इज डी एंड एफ, दैट वन इज डी डैश एफ डैश एंड दैट वन इज ई मीन्स दैट वन इज ई डैश. ओके, ये क्या है आपकी एक्सिस है, दैट वन इज योर एक्सिस. ओके, अब एक्सिस, एक्सिस की लेंथ कितनी है? दैट वन इज 90 mm. तो मैं यहाँ से कितना लूँगा डिस्टेंस? दैट वन डिस्टेंस इज 90. क्लियर? दैट वन पॉइंट इज ओ, तो दैट वन पॉइंट इज ओ डैश. ओके, अब जॉइन ए डैश टू ओ डैश, बी डैश टू ओ डैश, डी डैश टू ओ डैश एंड ई डैश टू ओ डैश. हो गया इतना, अब इसका कुछ काम नहीं है, मैं इरेज कर देता हूँ. देखो, अब क्या बोला है कि इट इज कट ए आई पी इंक्लाइन एट 45 degrees टू द एच पी मीन्स के दैट वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स के एक्स वाई. यहाँ से आपको 45 degrees पे कट करना है. ओके,
पर क्या करना है, द कटिंग प्लेन पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, मीन्स दैट वन एक्सिस के सेंटर में से पास होगा, मीन्स यहाँ से दैट वन इज 90, आई मार्क हियर दैट वन इज 45 डिग्री, ओके। क्लियर, दैट वन डिस्टेंस एंड दैट वन डिस्टेंस, ओके, दैट वन डिस्टेंस इज 90 एंड दैट वन डिस्टेंस इज 45, ओके। तो यहाँ से आपको क्या ड्रॉ करना है, कितनी डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 45 डिग्री पे एंगल ले लूँगा, ओके, दैट वन लाइन, अब यहाँ से मैं 45 डिग्री एंगल ले लेगा, ओके, तो दैट वन पॉइंट एंड दैट वन 45 डिग्री एंगल, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका सेक्शन कटिंग लाइन, ओके, दैट वन इज योर सेक्शन कटिंग लाइन, मीन्स आपको यहाँ पे एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा, दैट वन योर इंटरसेक्ट पॉइंट, दैट पॉइंट, दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट, ओके, दैट वन इज 45 डिग्री, ओके, इफ यू वांट जस्ट आई राइट हियर 45 डिग्री, क्लियर, हो गया, ओके। सेक्शन लाइन जो ट्राइंगल को कट करेगी, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, ओके, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, दैट वन एंड दैट वन, ओके। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसमें से, मीन्स कि यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ओके, दैट वन पॉइंट, तो दैट पॉइंट इज़ ए, तो दैट पॉइंट इज़ योर ए डैश, ओके, ये बी और एच की लाइन है, दैट वन इज़ बी और एच की लाइन, तो दैट वन इज़ योर बी डैश एच डैश, ये सी और जी की लाइन है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट मिलेगा, सी डैश जी डैश, ओके, ये डी और एफ की लाइन है, तो ये भी क्या हुई, डी और एफ की लाइन, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा डी डैश एफ डैश, ओके, ये ई डैश की लाइन है, दैट वन इज ई, तो यहाँ पे क्या पॉइंट मिलेगा, दैट वन इज ई डैश। अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड, ओके, दैट वन प्रोजेक्शन मीन्स ए डैश बी डैश एच डैश, ये तो है ही, ओके, दैट वन एंड लास्ट की डैश, हो गया। अब आपको सेम ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करना है, ओके, दैट वन इज ए पॉइंट लाइन, ओके, अब पॉइंट को इंटरसेक्ट करना है, आपने जो बेसिकली सेक्शन लाइन में से जो लाइन ड्रॉ करी थी, मीन्स दैट, ओके, मीन्स दैट वन लाइन, दैट वन, ओके, क्लियर, अब दैट वन ए डैश, तो ए डैश एंड ए, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा, दैट वन इज ए, ओके, ये किसकी लाइन है, बी डैश और एच डैश, तो दैट वन इज बी एंड दैट वन इज एच, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बी एंड दैट वन इज योर एच, ओके, ये सी डैश और जी डैश की लाइन है, पर यहाँ पे आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, वो पॉइंट यहाँ पे ही मिलेगा, पर वो कैसे मार्क करना है वो देखते हैं, दैट वन इज डी डैश एफ डैश लाइन, ओके, दैट वन इज डी डैश एफ डैश लाइन, तो दैट वन इज डी डी डैश, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा, दैट वन डी, ओके, एफ एफ डैश, ओके, एफ डैश की लाइन है और ये एफ, तो मीन्स यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आपको एफ, ओके, दैट वन इज ई डैश लाइन, दैट वन इज ई डैश लाइन एंड दैट वन इज ई, तो ई ई डैश, मीन्स यहाँ पे आपको मिल गया ई पॉइंट, ओके। अब आप ज्वाइन कर दो ए टू बी, फ्रेंच का उसे करना, ए टू बी ए टू एच, ओके, सेम डी टू ई, ई टू एफ, क्लियर, इतना हो गया। अब आपको यहाँ पे सी और जी पॉइंट चाहिए, पर यहाँ पे आपके पास सी और जी का पॉइंट यहीं पे आएगा, पर वो पूरा कट करोगे तो वो कंप्लीट नहीं आएगा, इसलिए सी और जी का पॉइंट मार्क करना, तो मैंने आपको आगे एक चीज़ बताई थी, एक मेथड बताई थी, जब इसका बेसिकली प्रोजेक्शन ले और वो स्ट्रेट लाइन पे हो, तो यहाँ पे पॉइंट ना मिले, तो क्या करना है, इस लाइन को, ये जो सी डेस और ओ डेस की लाइन को परपेंडिकुलर, ये सेंटर में से, मीन्स कि ये पॉइंट में से, जो पॉइंट को आपको यहाँ पे मार्क करना है, वो पॉइंट में से वो पॉइंट लेना है, और वो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन, ओके, और वहाँ से उसका प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट वन, ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको एंड दैट वन, मीन्स कि यहाँ से प्रोजेक्शन इस साइड और इसका प्रोजेक्शन डाउनवर्ड साइड,
क्लियर ओके। अब क्या करना है, ओडेस सेंटर एंड दैट वन, इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ अभी एम ओके। तो ओ सेंटर एम रेडियस ओके। ये याद रखना, यहाँ पे हमको सी और जी चाहिए, तो सी और जी का बेसिकली यहाँ पे पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए हमें क्या किया, इस लाइन को परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी, कहाँ तक, ये लास्ट सरफेस तक, और वहाँ से एक लाइन हमने नीचे तक ले ली, कहाँ तक, ओ की सेंटर लाइन तक ओके। बाद में वो जो पॉइंट मिलेगा मीन्स ओ सेंटर एम रेडियस, तो ओ सेंटर एम रेडियस एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना ओके। सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, मीन्स के दैट पॉइंट इज योर सी एंड दैट पॉइंट इज योर जी ओके। सी और जी हो गया। अब क्या करना है, इसको बी टू सी एंड एच टू जी ओके। अब ये जो सेमी सर्कल है इसको मैं रब कर देता हूँ, उसका कोई काम नहीं है ओके। क्लियर, तो दैट वन पॉइंट ओके। तो सी टू डी ओके, सेम जी टू एफ हो गया। क्लियर, दिस इज योर फ्रंट व्यू, दिस इज योर टॉप व्यू एंड दिट इज योर सेक्शनल टॉप व्यू ओके। आपको पता है अब क्या करना है, 45 डिग्री पे सेक्शन लाइन ओके। दिस इज योर आंसर, थैंक यू।